अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल ने खुदकुशी कर ली है। कलिको पुल वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी के समर्थन से अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी। आज कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। आशीष कुमार सिंह ने बात की है गौरव गोगोई से, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका क्या कहना है इसके बारे में सुनिए। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलिको पुल ने अपने घर में सुसाइड कर लिया, इस तरह की खबर आ रही है, उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हैं। गौरव जी, दुख की बात है। जाहिर है, एकदम दुख की बात है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये घटना कैसी हुई। कोई खबर हमें कांग्रेस के सोर्सेज से नहीं मिला या हमारे किसी जहाँ के अरुणाचल के जान पहचान से कहीं नहीं मिला कि उनके मन में ऐसा एक सिद्धांत आया हुआ था। इस प्रकार कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत ही दुखद जनक है, उनके परिवार के लिए बहुत ही एक संवेदनशील ये समय है। हमारी प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, सीएम रेजिडेंस में ही उनकी मौत हुई। क्या आपके व्यक्तिगत नॉलेज में है कि पिछले कुछ समय से सरकार गठन को लेकर क्या किसी वजह से अशांत थे, तकलीफ थी किसी बात की? देखिए, हमारे पास इस वक्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि राजनीति छोड़ के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर पाएँ, और इस वक्त ज़रूर उनके परिवार उनका बहुत गहरा सदमा होगा। ज़रूर उनके भी खुद अधूरे सपने होंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रति, लेकिन लगता है कि एक बहुत ही एक युवा एक राजनीतिक को हमने खोया है, और इसके लिए हमें ज़रूर बहुत दुख हमें हो रहा है। एकदम शॉक में हैं हम। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को आपको लगता है लॉस होगा एक ऐसे व्यक्ति के जाने से? ज़रूर हमें लगता है कि जो भी पॉलिटिक्स करना चाहता है, खासकर कि उत्तर पूर्वांचल में कठिन जगह है, बहुत से अपेक्षाएं हैं, बहुत से वहाँ पे मुश्किलें हैं, तो राजनीति में आना एक बहुत एक साहसी कदम होता है। तो ज़रूर उत्तर पूर्वांचल के राजनीति में हमने एक महान जो नेता हो सकते थे उनको हमने खोया है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है इसकी जांच भी होनी चाहिए, कहीं कोई साजिश तो ना हो इसके पीछे? देखिए, इस वक्त मैं ऐसा अब इतने सगमे में हैं तो इसलिए हमें इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गौरव गोगोई, जिनका कहना है कि प्रार्थना परिवार के साथ है, और बहुत दुख की घड़ी है कि अरुणाचल प्रदेश ही नहीं पूरे समूचे नॉर्थ ईस्ट के एक युवा नेता को आज राजनीति ने खो दिया है। कैमरामैन मनदीप के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP News, दिल्ली।